हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फैब डॉट इन। ये आज का इंट्राडे ऑप्शंस का परफॉर्मेंस था। तीन अपॉर्चुनिटीज थी, तीनों टारगेट अचीव हुए। तो आप हमारे प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन कर सकते हैं। डिटेल्स इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट। कल जो हमने सपोर्ट लेवल मार्क किया था 16,450, वहाँ से एक ज़बरदस्त बाउंस बैक आते देखा आज हमने, और 150 पॉइंट की बढ़त के साथ मार्केट आज क्लोज हुआ है। तो 2 दिन की गिरावट पे ब्रेक लगा है। ये 5 मिनट का चार्ट है। कल का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो ये जो ब्रेकडाउन लेवल था, ये ब्रेक किया सुबह और फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होते होते रह गया। 438 का इसने लो लगाया निफ्टी ने, और यहाँ से ये जो बाउंस बैक हुआ है वन वे ऊपर की तरफ, ये ट्रेंड देखने को मिला। फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजीली अचीव हुए। अभी कल के लिए क्या ट्रेडिंग लेवल्स बनते हैं इंट्राडे के लिए वो देखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हमने कल सपोर्ट की बात की थी, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पर जो ये 20 EMA और 50 EMA यहाँ पर ये क्लब हो रहे थे 16,450 के आसपास, तो ये सपोर्ट बन रहा था यहाँ पर। ये अगर टूटता तो यहाँ से और फॉल देखने को मिलता, लेकिन इसको रिस्पेक्ट किया है। तो 16,450 में वीकली चार्ट में ये दो मूविंग एवरेजेस सेम लेवल पे आ रहे थे। डेली चार्ट को अगर देखें तो ये जो ग्रे लाइन है, ये 100 DMA का लाइन है, ये भी 16,450 के पास आ रहा था। तो इस लेवल को काफ़ी ज़बरदस्त सपोर्ट था। तो यहाँ से आज हमें बाउंस बैक आते हुए देखा है। लेकिन जब तक ये जो यहाँ पर ये स्विंग हाई बना है इसके ऊपर ये सस्टेन जब तक नहीं होता, तब तक हम कह नहीं सकते कि ये जो बाउंस बैक है ये और एक्सटेंड हो सकता है। इसके ऊपर इसको सस्टेन करना पड़ेगा, क्योंकि 16,800 के पास यहाँ पर एक सेलिंग जोन है। ठीक है, तो इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो और निफ्टी ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। तो 16,450 अभी मेजर सपोर्ट है यहाँ पर। कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं? कल हमारा ब्रेकआउट लेवल जो होगा, ये ऑब्वियसली जहाँ से ये फॉल आया था 16,667, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा कल के लिए। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा 16,689 का, एक छोटा सा क्विकली टारगेट बनेगा। और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 16,718, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ आता है तो जहाँ पर आज ये रेड कैंडल बना था, एक पॉज लिया था ऊपर की तरफ जाते हुए, तो 16,592 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड 16,566 का, और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 16,537 का, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स हैं। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देख सकते हो, जो हमने कल लेवल्स मार्क किए थे। ब्रेक डाउन लेवल के पास एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, बाउंस बैक हुआ, फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट इजीली अचीव हुए, वन वे ट्रेंड देखने को मिला बाउंस बैक का। अभी बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं? 60 मिनट के चार्ट को हम फॉलो करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते मेजर, यहाँ पर दो बार इसने इस लेवल से एक छोटा सा करेक्शन दिखाया। तो कल ये थर्ड अटेम्प्ट होगा, यानी हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा अराउंड 36,849 के पास। इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट होगा 36,946, और सेकेंड टारगेट होगा 37,037। 37,000 मेजर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और ब्रेकडाउन के लिए ये जो एक डोजी कैंडल बना था, रेड कैंडल बना था, इसका लो यानी 36,649 ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट बनेगा 36,572 का, और सेकेंड टारगेट बनेगा अराउंड 36,483 का, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, 5paisa, एंजल ब्रोकिंग। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस की, ये आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, अगर सपोज आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है तो ये ज़ीरोधा का पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है तो आगे की ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, रेडी है तो। और उसके बाद हमें आपको इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सकें। तो एक छोटा सा इंट्रो था।